इसको मैं नींबू टकीला बोलता हूँ। नींबू टकीला, हाँ। अच्छा, इसमें क्या, ये क्या क्या डाला है? इसमें काला नमक, सेंधा नमक, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, पेपरमिंट, दालचीनी और मिलाटी और नींबू। अच्छा, ये आपको पूरा चीज रिचार्ज कर देगा। इसका क्या फायदा रहेगा? ये गले के लिए, हाँ, गर्मी के लिए, हाजमे के लिए मच बेटर चीज़ है। अच्छा, मैं वैसे नींबू बर्गर बोलता था पहले इसको। अच्छा, फिर एक बंगाली दादा आए मेरे पास में। अच्छा, वो कहते विजय जी नींबू बर्गर नहीं बोलने का, नींबू टकीला बोलना। अच्छा। तब से पता नहीं सर मेरे मुंह पर आ गई नींबू टकीला बनाया है। कोई ऐसा भी आप बताओगे आपको क्या फायदा हुआ? कोई भी ऐसा अनुभव के निरंतर पीने से कोई भी अपने घर में पिएगा उसको? बंदे ने कैंसर को दूर करना है। अच्छा जी, जिसने इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। अच्छा जी, उसके लिए सबसे बढ़िया ये जूस है, ऑल प्लांट वाला जूस है, सबसे बेस्ट जूस है। हमारे सारे आयुर्वेद में, एलोपैथी में सभी आज की डेट में ये बोल रहे हैं कि आप कच्ची सब्जियां खाओ, कच्चे फल फ्रूट खाओ, यदि आप बॉडी को फिट करना चाहते हो तो यही सबसे बढ़िया ये जूस है। अपने आप को फिट करना, फिट हैं तो हिट हैं, बिल्कुल फिट नहीं तो कुछ भी नहीं। पानी डालना तो आज अच्छी डोज मिलेगी अपने। डोज तो वैसे अच्छी मिलती है, लेकिन आज आपको मिलेगी ना तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर हम उनको उसकी वैल्यू बता देते हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, तो इंसान जो है ना और ज़्यादा उससे प्रसन्न होता था। वैसे साहब मेरा नाम विजय सिंह कड़वासरा, ओन फतेहाबाद पंचकूला हरियाणा से हूँ साहब मैं, और ये सुखना लेक के ऊपर पिछले 12 वर्षों से ये सेवा दे रहा हूँ सर। हाँ, और ये मैं विशेष करके इस स्थान पर इसलिए ऐसा कि पहले मैं मेन गेट पर था सर, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगा करती थी, भीड़ में मेरे को ये चीज़ें बनाने में आनंद नहीं आता था। पैसा तो बहुत बनेगा, लेकिन मैं पैसा नहीं, मैं प्यार चाहता हूँ सर, और मैं चाहता हूँ ये संसार में सारे लोग निरोग रहें। बिल्कुल, और निरोग रहने के लिए अगर हम मन से कोई चीज़ बना के देंगे ना सर, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है अपने शरीर पर। और एक सर हम फटाफट बना के दे दें, लो जी जाओ, उसमें सर हाथ तो पी के चले जाएंगे, बट मेरी आत्मा ना उसके लिए मानती नहीं है सर। मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ बताई जाए, बताए और दिया जाए ताकि एक चीज़ें घर घर में पहुँचे सबके पास, क्योंकि हर एक इंसान तुम्हारे पास नहीं आ सकता ना। बिल्कुल, तो जहाँ भी रहे, जो भी हमारे को सुने देखे, अपने घर में पिए। और मैं पांच चीज़ें बताता हूँ सर निरोग लेने के लिए, चाय, चीनी, मैदा, एल्युमिनियम का बर्तन और आयोडीन नमक। ये पाँच चीज़ छोड़ दीजिए, राम जी कृपा से आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। और पाँच चीज़ अपना लीजिए सर। तो ये आयोडीन जो बोलते हैं तो, हाँ, आयोडीन की जगह सेंधा नमक यूज कीजिए सर। हाँ, चीनी की जगह गुड़ शक्कर खांड यूज़ कीजिए सर। जी मेरे राम। ये सर सबसे पहले मैंने जी हमने देखो अमरूद के पत्ते हैं, ये डाल रहा हूँ सर इसमें, अमरूद के पत्ते। ये क्या काम करेंगे मैंने जी? प्राण से प्राण नजला हो, छाती जाम रखी हो, गला खराब हो, उसके लिए सर्वोत्तम है अमरूद का पत्ता। और देखो हम लोग इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते थे अमरूद के पत्ते की, लेकिन अमरूद का पत्ता बहुत ही बेस्ट चीज़। इसके बाद में सर ये जामुन का पत्ता। अच्छा जी, हाँ, ये जामुन का पत्ता है। और इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा सर, इनको पेड़ को सीधा तोड़ के नहीं यूज़ करने का, इनको सीधा तोड़ना, फिर पानी में डुबो देना इनको। अच्छा, हाँ, फिर बढ़िया से साफ करके फिर इनको थोड़ा और भिगो के सुखा लें थोड़ा सा पानी से, फिर इसको यूज़ करना सर। जो जामुन का पत्ता है ये डायबिटीज़ के लिए और भूख के लिए, जिसको भूख ना लगती हो, और जिसको शुगर की प्रॉब्लम हो वो अमरूद का पत्ता ले सर, और जिसका गला ख़राब हो अमरूद और जामुन का पत्ता खा ले, ठीक हो जाएगा सर। इसके बाद में सर इसमें डाल रहा हूँ मैं कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता सर ये बाड़ों के लिए और लीवर के लिए सर्वोत्तम औषधि है। अब जो लीवर 52 वगैरह खाते हैं हम लोग, लीवर का गोलियाँ खाते हैं, उसकी जगह अगर आप सीधा कड़ी पत्ता खाएंगे, और एक भूमि आंवला होता है, भूमि आंवला जिस तरह छुईमुई का पौधा होता है ना सर, वैसा होता है छोटा सा, अगर वो 10 ही दिन खा लेंगे बस, जैसा मर्जी फैटी लीवर हो सर उसको तो ठीक कर देगा। ये जो कड़ी पत्ते का बोल रहे हैं, हाँ, कड़ी पत्ता, हाँ, डायरेक्ट खा सकते जैसे लगा होता है घर पे। आयुर्वेदा में जितनी चीज़ें ऐसा, हाँ, आप सीधा सीधी खा सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जितनी अपने शरीर को आवश्यकता है उतना हमारा शरीर रख लेगा, बाकी निकाल देगा। और अगर इंग्लिश मेडिसिन अगर आप फालतू खा लेंगे तो वो तो शरीर का आधे आधे कर देगी सर। फिर ये डाल सर गिलोय। ये गिलोय क्या काम करेगी सर? पुराना सा पुराना बुखार होता हो शरीर में उसको ठीक करेगी, शुगर को कंट्रोल करेगी, जो अपने ये जो डेंगू में लैटिन कमज़ोर हो जाते हैं ब्लडलेस, उनके लिए सबसे बड़ी अमृत है चाहिए इसको। तो सर वैसे राष्ट्रीय औषधि भी घोषित करने की प्रतिक्रिया चल रही है सर गिलोय को। और अपने भारतीय अपने भारत देश में सर पहले कोई हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, कि हम पूर्णतः हर्बल चीज़ों के ऊपर निर्भर थे। अभी आप कितने ग्लास बनाने की प्रक्रिया चल रही है अभी? ये सर मेरी 6 गिलास। अच्छा, ये सर बबूल देसी की करके देसी की करी फली सर, इसको हम बबूल बोलते हैं सर।
ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, व्हाइट सेल के लिए, धात के लिए सर्वोत्तम औषधि है सर। बबूल सबसे बेस्ट सर, टाइम लागे। तो उसके बाद में सर ये डाल रहा हूँ इसमें मैं हरड़, भेड़ा और आंवला। अच्छा, आंवला ऐसा चोटी से लेकर के गले तक का काम करता है आंवला। अच्छा, जिस तरह की बलगम बनती है, आंखों की रोशनी, बालों के लिए सर्वोत्तम औषधि आंवला। एक आंवले में 500 mg विटामिन सी होती है सर, और जब तक अपने शरीर में विटामिन सी पूरी नहीं है ना, तब तक हमारा शरीर कोई भी बढ़िया से बढ़िया औषधि खा लेंगे तो वो काम नहीं करेगा, जब तक विटामिन सी नहीं आएगा। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में। आंवले को आप दूध के साथ भी सेवन कर सकते हो, और किसी भी समय आप आंवला खा सकते हो, सवेरे शाम दोपहर रात कभी भी, दूध भी नहीं फटेगा सर। इसके बाद में सर गले, चोटी से गले तक का काम आंवले ने किया, गले से नाभि तक का काम ये हरड़। आयुर्वेदा में इसको माँ कहा गया, पेट से संबंधित कोई भी रोग है, पित्त रोग के लिए विशेष करके हरड़। हरड़ जरूर खाएं सा, और 5 बूटे बता रहा हूँ सा, अगर ये 5 पौधे अगर आप अपनी लाइफ में लगा लेंगे तो आज जीवन आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। वो 5 बूटे कौन कौन से सा? हरड़, बहेड़ा, आंवला, बिलपत्तर और मोरिंगा। ये सा बहेड़ा वात रोग के लिए, इस तरह पेट में थोड़ा बहुत खाया गैस बन गई, ये उसको काट देगा सर। और ये सारी चीज़ प्राकृतिक है सर, कुदरती है, अब इसका कोई वो नहीं सर कि हम कंपनी से बनी बनाई लेके, नथिंग, सारी चीज़ हर्बल है अपने पास। और यहाँ आसपास लगा भी रखी है मैंने, ये सामने देखो जो आपको दिख रहा है वो मोरिंगा है, ये आंवला है, आपके पीठ के पीछे अपना बिलपत्र आ गया, बिलपत्र के नीचे सफेद मूसली आ गई। सबको प्रोत्साहित करने के लिए साथ सबको बताएं, पहचान तो है ना किस क्या चीज़ कहाँ पर मिले, कैसी है, अगर आपको पता ही नहीं हो फिर किस तरह लेंगे आप वो चीज़। सब ये जब ये तीनों चीज़ डलेंगे ना सर, हरड़, भेड़ और आंवला, और इसकी एक रेसिपी है सर, 1 हरड़, 2 भेड़ा, 3 आंवला, इसी रेसिपी में इसको तैयार कर सकते हैं आप। और अगर आप इसका पाउडर बना लीजिए, अगर सवेरे पेट साफ करना है तो रात्रि में आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लीजिए, पेट साफ कर देगा। अगर शरीर में ताकत बनानी है तो आधा चम्मच दूध के साथ लीजिए, और अगर और ज़्यादा करना भी, जिस तरह गला वगैरह ख़राब हो रखा है, तो आधा चम्मच ये हो गया, 1 चम्मच शहद हो गया, उसके साथ सवेरे लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाएगी सर। इसके बाद मैं सर ये डाल रहा हूँ कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी क्या काम करती है सर? अंदरूनी दर्द, अंदरूनी चोट, कैंसर तक को रोकने में सक्षम होती है कच्ची हल्दी। सबसे अच्छी एंटीबायोटिक औषधि है सर कच्ची हल्दी। अब जो अपने को ये कोरोना काल से जो बचाने वाली है अपने भारत देश को, ये कच्ची हल्दी, गिलोय, आंवला, ये जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, इन्होंने अपने देश राष्ट्र को बचाया था, और अब पूरा विश्व जो है ना सर अपने इस धरा को मानते हैं। बिल्कुल। इसके बाद में सर इसमें डालेंगे ये वेट ग्रास, दिस, ये सब वेट ग्रास 15 मिनट में अपने ब्लड में मिलती है, सबसे ज़्यादा नया खून बनाती है, खून से संबंधित कोई भी रोग है उसको ठीक करेगी, कैंसर तक को ठीक करने में सक्षम है सर ये वेट ग्रास। इसके बाद में सर 6 चीज़ें मैंने कूट पीस के रखी हुई है, तो ये सूखी चीज़ है। अच्छा, ये क्या क्या है? ये सर जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, अश्वगंधा, सफेद मूसली और कोंच बीज। और ये सब अपने हाथ से कुटा है इसको मोमदस्ते में। अच्छा, अगर हम इसको किसी भी चीज़ को अगर हम पीसेंगे ना सर, मिक्सी में या चक्की में, तो ये हीट पकड़ लेगी ना, अगर हीट पकड़ लेती है उसके बाद में इसका प्रभाव कम हो जाता है सर, गुणवत्ता खत्म हो। हाँ जी, इसलिए इसको हमेशा ही ठंडी कुटाई जिसको बोलते हैं मोमदस्ते में इसको कूट लीजिए। जी, कूटना है फिर छलनी से छान लेना है। तो ये 6 चीज़ें इसमें मिला दी सर अलग से। फिर साहब जिस तरह गर्मी है उसमें हम डालते हैं अपना पुदीना, धनिया और तुलसी। वो तीनों चीज़ें सर आज मैं नहीं लेके आ पाया, कारण क्या था कि सर मैं सरसों निकलवा गया सर खेत से। अच्छा, किसान आदमी है सर हम। अच्छा, सरसों निकलवा गया था तो रात्रि में देरी से आया, इसलिए 3 चीज़ें इसमें नहीं है, कौन कौन सी नहीं है इसमें? तुलसी नहीं है, पुदीना नहीं है और धनिया नहीं है। और एक एलोवेरा डालते सर, एलोवेरा का समय होता है केवल शिवरात्रि से लेकर के शिवरात्रि से दशहरे तक, दशहरे और शिवरात्रि के बीच में, सर्दी सर्दी में। गर्मियों में एलोवेरा नहीं लेना होता क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, और विशेष करके प्रेग्नेंट नारी को कभी भी एलोवेरा नहीं खाना। अच्छा, वो हाँ वो बड़ा नुकसान कर देता सर, उसकी तासीर गर्म होती है। हाँ बिल्कुल सर। और 5 चीज़ें बता रहा हूँ सर, वो छोड़ दीजिए, पूरी ज़िंदगी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। चाय, चीनी, मैदा, एल्युमिनियम का बर्तन और आयोडीन नमक। आयोडीन नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए। चीनी और चाय पत्ती तो दुश्मन को भी मत दीजिए, इतनी हानिकारक चीज़ है। और
चीनी की जगह गुड़ शक्कर खांड यूज़ कर सकते हैं। और दो ही धातु ऐसा जिसका अपने बर्तन यूज़ करना है, पित्तल या लोहा, और तीसरा सर्वोत्तम धातु जो है वो मिट्टी का बर्तन। अब इसके बाद में सर इसमें हमने पानी मिला रहे हैं, ये कोकवाड़ का पानी है सर। और वैसे ही कोकवाड़ का पानी केवल यहाँ यूज़ करता हूँ मैं, घर में मैं कोकवाड़ का पानी यूज़ नहीं करता सर। घर में जो है ना अपना सीधा पानी पीता हूँ मैं, हर एक प्रकार का पानी पी सकता हूँ सर। अगर आप खाली कोकवाड़ का पानी पिएंगे सर तो भाई बाहर की टूटी का, नाले का, खेत का या कुएं का पानी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि उसके फिर सारे ऑर्गन खत्म हो जाते हैं सर। इसलिए अपने अंदर विक्टोरिया को भी तो समय चाहिए ना सर युद्ध करने के लिए, इसलिए हमेशा नेचुरल पानी पीजिए। और पानी की भी एक थ्योरी है सर, राजस्थान के जो डेजर्ट में जो गोपालक होते हैं वो गायों को लेके घूमते चराते हैं, तो कहीं पे जो पानी रहता है उसी को गायें पीती है और उसी को वो पीते हैं, ऐसे बिल्कुल सर। हम तो अगर पानी नहीं मिलता है सर गौमूत्र का भी सेवन कर लेते हैं बिल्कुल। और आप यकीन मानिए गौमूत्र का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां, जिसके विशेष करके सर जिसके डैंड्रफ हो सिर के ऊपर जी, गौमूत्र से स्नान कीजिए 101% डैंड्रफ ठीक हो जाएगा, अजमाया हुआ सर ये चीज। तब तक आप ये बना रहे हैं, एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आप के गौमूत्र के, मैंने कई ऐसे लोगों से एक्सपीरियंस साझा करे जिनको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, उन्होंने निरंतर गौमूत्र का सेवन किया है तो 3 से 4 महीने में उनकी वो स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। स्किन की दूर हुई है सर, कैंसर भी दूर हुआ है बिल्कुल। अगर गौमूत्र का सेवन करेंगे ना स्किन का तो ठीक होएगा ही होएगा, कैंसर भी ठीक होएगा। कैंसर के लिए क्या काम करना सर, 5 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम गौमूत्र प्रत्येक दिन सेवन कीजिए और योग कीजिए, 100% ठीक हो जाएंगे कैंसर से। कैंसर के रोगी को केवल अनाज नहीं खाना होता सर जी, अनाज त्याग दीजिए बस। अनाज में जिस तरह गेहूँ, बाजरा, चना, मूंग, कोई चीज़ नहीं खानी, केवल मूंग की दाल खा सकते हैं जी। और गौमूत्र का सेवन कीजिए, फल फ्रूट जितना है सब खाइए, हरी कृपा से कभी भी कितना ही तकड़ा कैंसर हो रोगी आता तो वैसे ही ठीक हो जाता था, जिस दिन उसके अंदर आत्मबल आ जाए भी मैंने ठीक होना है जी। और वही आत्मबल अगर नहीं है तो भले ही वो 1% बीमार है, उसको किसी ने डरा दिया तो 100% उसी बीमारी का उसके शरीर में निर्माण हो जाएगा। राम राम, राम राम साहब बिल्कुल साहब। इसमें पानी मिलाया सर जी, अब हम मिक्सी से इसको ग्राइंड करेंगे और ये पानी साथ थोड़ा सा ठंडा रखता हूँ मैं जी, ताकि गर्मी में इसमें जब मिक्सी में डाला जाए तो इसका वो ना हो सर। ऐसा कि मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ सर ये काम जी, बाकी मैं बैंक में ड्यूटी करता हूँ सर, 10 से 5 मेरी बैंक में ड्यूटी होती है। अच्छा, हाँ अभी 10 बजे मैं यहाँ से चला जाऊँगा, सवेरे 3:20 पर उठता हूँ सर, 4:15 बजे भोजन कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी, प्रत्येक दिन क्या बात। सर भोजन करने का वैसे विशेष समय ऐसा, सवेरे सूर्योदय होने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर बढ़िया से भोजन कर लो आप रज के, हरी कृपा से कभी बीमार नहीं। और एक अपने बुजुर्ग कहा करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले स्नान करो, अस्त होने से पहले भोजन करो, ये अगर नियम को फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत कुछ पा जाएंगे, बहुत कुछ, छोटी छोटी चीजें सर जो इन्हीं को फॉलो करना है बस, बहुत ना कर लिया तो। तो ये है विजय कुमार सुखना लेक के पास में, इनका एक स्टॉल लगता है काफी टाइम से और लोगों को हर्बल जूस पिला रहे हैं काफी टाइम से। कितने टाइम से पिला रहे हैं विजय भाई? पिछले 12 वर्षों से। 12 वर्षों से विभिन्न तरह की औषधियां, अभी इन्होंने जो सारी औषधियों के नाम बताए, इन औषधियों का जूस यहां पर पिलाते हैं सुखना लेक। कभी भी आप आते हैं तो इनका इनसे जरूर मिले। इसमें सर क्या काम करना है, इसमें 2 पत्ते अमरूद के लेने, आधा पत्ता जामुन का लेना है, 2 आंवले लेने, आधी हरड़ लेनी है, 2 भेड़ा लेना है और थोड़ी सी किलोई लेनी है और थोड़ी सी कच्ची हल्दी लेनी है और 50 ग्राम के आसपास में रेड ग्रास लेना है। ठीक है, रेड ग्रास लेना है, बन गया जो वो तो 250 ml लेना है प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन 250 ml। धन्यवाद, शुक्रिया सर।
काले आ रहे हैं।